हेलो वाउवी पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज काफ़ी डिफरेंट वीडियो मेरे चैनल पे, बिकॉज आज है 24 आवर्स चैलेंज फॉर मी। मतलब चैलेंज भी है और फन भी है इसमें, जस्ट बिकॉज आज मैं कुछ न्यू ट्राई करने वाला हूँ, विच इज ईटिंग कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। आज मैं कोरियन डिशेस ट्राई करूंगा, बिकॉज मैंने कभी भी कोरियन फूड कभी ट्राई नहीं करा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई कोरियन फूड। बट जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है वो यही है कि मतलब कोरियन फूड में ज्यादातर सी फूड आता है और राइस, और एक मुझे किमची पता है कि किमची एक डिश होती है, पता नहीं क्या होता है, जो भी किमची मेरे को वर्ड पता है। सो आई डोंट नो कि क्या चीज कैसी टेस्ट करेगी। मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों कोरियन होगा। मतलब अगर मैं कोई ड्रिंक आई हैव नो क्लू कि कोई स्पेशल ड्रिंक होती है, मेरे को जो जोमेटो स्विगी पे मिलेगा ऑप्शंस में रेस्टोरेंट में जाके, तो मैं वही सिलेक्ट करूंगा। बहुत रैंडम होगा, मेरे को कुछ नहीं पता कि कौन सी डिश क्या है। सो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आता क्या एग्जैक्टली उसके अंदर जो मैं ऑर्डर करूंगा। सो जैसे बिकॉज मैं अभी उठाऊँ तो मैं अभी जाके पहले ब्रश करता हूँ, देन आई विल ऑर्डर माई ब्रेकफास्ट। तो कैसे मैं रेस्टोरेंट चेक कर रहा था कि मैं कहाँ से ब्रेकफास्ट ऑर्डर करूँ, तो मुझे दो तीन तो दिखे यहाँ पे, बी ओरिएंटल और दो तीन और नाम है। सो आई डोंट नो कि इसमें क्या अच्छा ऑप्शन होएगा। वेट लेट मी सी। पहले तो ब्राउनी। आज हम कोरियन फूड खाएंगे, हमने खाना है कोरियन डिश कोई no. आप खाए ऑलरेडी कुछ? ऑलरेडी कुछ खा रहे हैं, तो उसको नहीं खाना है अभी कुछ। चिकन, ओ किमची, मैंने बोला था ना किमची एक वो है जो मैंने सुना हुआ है किमची वर्ड, तो किमची इसमें डला हुआ ऑलरेडी। तो गैस मैं तो काफी कुछ ढूंढ लिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या ऑर्डर करूं। सो मैं ये टास्क मानो प्लीज यार, देखो यार मैं क्या कर रहा हूं। जा क्या, आज मैं कोरियन खाना खा रहा हूं फॉर 24 आवर्स। तो अब मेरे को ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना है, पर उसको बहाने चाहिए बस फैट खाने के। फैट नहीं, हेल्दी वे में ऑप्शन है दिखाओ। तो आप मेरे लिए कुछ ऐसा फिलिंग सा कुछ ऑर्डर कर, जैसे क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ब्रेकफास्ट कर रहे अभी, तो कुछ फीलिंग्स और अच्छा सा, मतलब तो लगे कि बहुत डिफरेंट डिश है ये रेस्टोरेंट। हाँ, आई गेस दिस लुक्स नाइस। दिस इज ब्लैक पेपर चिकन बॉल, जिसमें आपको फ्राइड राइस, पेपर चिकन सॉस, एशियन सैलेड स्टार्टिंग आपका ब्रेकफास्ट, बीन्स स्प्राउट जो आपको ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे डाइट के लिए, एंड पीनट्स क्रस्ट। वाओ, बहुत अच्छी फर्स्ट डाइट, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी। एंड पता है मैंने भी इस लिस्ट पे मैं आके अटका था, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नो, सो स्टार्ट थोड़ा अच्छे से, मतलब ऐसा करो इतना भी कोरियन मत हो जाओ, नूडल्स वगैरह है तो आपको मजा आएगा। आगे सबको लंच थोड़ा खतरनाक करना चाहिए, लंच थोड़ा ब्रेकफास्ट आप उल्टी ना कर दो ना, शुरुआत ही ऐसा हो गए आए हो जाए। बट सो मैं ऑर्डर कर रहा हूं गाइस फॉर द ब्रेकफास्ट ब्लैक पेपर चिकन बोल एज सजेस्टेड बाय मिस्टर एमएनवी। सो देयर इज अ बिट चेंज इन प्लान, सो जैसे मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा है, सो मेरे माइंड में एक प्लान है क्यों ना मैं बाहर जाके एक फूड हॉल करके है बॉम्बे में, जो जहां पे बहुत कुछ और बहुत वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स मिलती है, हर जगह आपको वहां पे खाना मिल जाएगा। सो मैं सोचा व्हाई नॉट अ फूड हॉल जाके कुछ कोरियन स्नैक्स अगर मुझे मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो मैं वहां से वो सब भी उठा के लेके आऊं। सो आई एम ऑलरेडी थट्टी है फूड हॉल जाने के लिए। ऑल्सो मेरा पहला ब्रेकफास्ट मील आ चुका है, आई एम एक्साइटेड, क्या होने वाला है इसमें। पूरा एक प्रॉपर राइस बोल जैसा आता है ना, वैसा सा कुछ दिख रहा है मुझे, इसमें राइस है। wow. तो नूडल्स बोला था, स्मेल्स नाइस, सैलेड है क्या? सैलेड ही है। सो दिस इज ब्लैक पेपर चिकन बोल एंड उसके साथ उन्होंने दिया सैलेड। पहले चिकन टेस्ट करते हैं। वाओ, उसमें जैसे कैश्यूज वगैरह, कैश्यू का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है, ये वैसा टेस्ट कर रहा है लाइक हम वो खाते हैं ना चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस, इसका टेस्ट वैसा सा है कुछ। अगर मैं इसको रेटिंग दूं आउट ऑफ 10, आई विल गिव दिस 8.5, 9 दे सकता हूँ ऐसे मैं, बट बहुत टेस्टी है ये एक्चुअली, मैं खाना प्रेफर करूंगा। सैलेड के अंदर भी कुछ डिफरेंस और टच है, लाइक प्रॉपर चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। मैं अपने 8.5 से रेटिंग 9 करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत टेस्टी है, मैंने बहुत बार बोल दिया। अब मैं इसको जल्दी से खत्म करके अब मैं सीधा भाग रहा हूँ, बिकॉज संकेत का मुझे कॉल आ गया कि जल्दी चल वरना सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। सो ये कंप्लीट करने के बाद आपसे मैं मिलता हूँ सीधा इन फूड हॉल। सी यू गाइस, थैंक यू मानव। लेट्स गो शॉपिंग टाइम। मेरा पेट तो फुल हो गया, बट रात के लिए आई नीड सम स्नैक्स। तो गाइस फाइनली फूड हॉल,
रागू अभी हमको फिगर आउट करना है कोरियन फूड कोरियन स्नैक्स बहुत ज्यादा बड़ा समय लग रहा है कोरियन है चाइनीज इतना सारे ऑप्शन है यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे मेंशन है काफी सारे यहाँ पे हमको कोरियन ढूंढना पड़ेगा जैसे कोरिया कुछ लिखा हुआ लेट्स फाइंड सम स्टफ ये भी कुछ मुझे मिला है हॉट कोरियन फ्लेवर नूडल्स और यहाँ पे किमची मेरे को पड़ा तो मैं ये भी उठा रहा हूँ बिकॉज वो किमची ट्राई करना था सो ये भी डक सूप नहीं हेलो क्या हो गया तो कैसे यहाँ पे मैं कुछ मंची सुन रहा था मुझे एक दिखा है यहाँ पे श्रिम्प फ्लेवर्ड क्रैकर मेड इन कोरिया वही है करके बनाया हुआ ये लेता ये देख देख रहे ऑप्शन ही क्या है श्रिम्प मानो मैं तेले स्पेशली बचा के रखा था कि तू टेस्ट करेगा जो तूने ऑर्डर करा था चिकन का पीस ये रहा फ्राइड राइस लेने आया हां मैंने भी ये सेम चीज बोली है चिकन फ्राइड राइस टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट भी बहुत लग रहा है मेरे को तो बहुत टेस्ट लगा सच में मैंने अच्छे से चॉप करते हैं यार ये मैंने 9 पॉइंट्स दिए आउट ऑफ 10 इसको 1 पॉइंट पता नहीं पता नहीं मंचूरियन फ्राइड राइस टाइप नहीं इसका टेस्ट उसका थोड़ा अच्छा वर्जन है ना बहुत अच्छा बिकॉज सॉल्ट भी बहुत कम है गाइस हां बहुत परफेक्ट है सब कुछ है ना वेरी हेल्दी बिकॉज मसाला तो है ही नहीं गाइस बट वेरी टेस्टी पास मानो तो कितने पॉइंट्स देगा इस डिश को तू मेरे को कितने पॉइंट्स देगा ओह नो वैसे मैं मानो को 10 ऑन 10 दूंगा मेरे को ये ऑर्डर करवाने के लिए थैंक यू आल्सो गिव 9 है ना वेरी गुड इट्स अ पास कोरियन फूड पास So, guys, I'm finally back home और मेरे को कुछ कुछ आइटम्स तो मिल गए फूड हॉल से जो मैं देखने गया था तो एक है ये श्रिम्प फ्लेवर्ड क्रैकर आई डोंट नो क्या होंगे बट ये चिप्स फ्लेवर में आई थिंक ये अच्छे होंगे और ये फ्लेवर भी हॉट एंड स्पाइसी है एंड आई लव स्पाइसी फूड सो लंच के लिए मैंने ऑप्शन उठाए ये दो पैकेट विच इज दिस किमची कुछ नूडल्स किमची नूडल एंड दिस वन इज हॉट कोरियन फ्लेवर नूडल्स ये दो नूडल्स हैं अब मैं करूंगा क्या बेसिकली मैं इन दोनों की स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम और मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि मैं कौन सा फॉर लंच खाऊं इन दोनों में से ये या फिर ये और जो वो चूज करेंगे वही मेरा लंच होंगे इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ज्यादा ये ब्लैक वाला चूज करेंगे आई डोंट नो व्हाई बिकॉज़ इसमें हॉट कोरियन लिखा है तो उनको लगा कि स्पाइसी नूडल चैलेंज करो उनको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ मैंने लिखा चूज वाइजली प्लीज आई वॉन्ट किमची और उनको किमची ट्राई करना था बट मुझे सच में लग रहा है कि वो हॉट कोरियन फ्लेवर चूज करेंगे मैं स्पाइसी ले लूँगा हॉट कोरियन पे ना पक्का हॉट कोरियन सेलेक्ट करेंगे सब लोग तो मैं स्पाइसी किमची भी होगा उस पर स्पाइसी लिखा हुआ मेंशन है तो स्पाइसी किमची एंड हॉट कोरियन मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के ऑल्सो टिल द टाइम ये अपलोड हो रही है स्टोरी तब तक मैं कुछ अपना मुँह हाथ धोता हूँ थोड़ा फ्रेश होता हूँ तो उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे क्या आया उसके बाद हम अपना लंच खाएंगे तब तक लेट्स गो और थोड़ा फेस वॉश और मुँह हाथ धो ले बहुत ही बुरी हालत होगी धूप से आने के बाद तो जैसे कि पता है कि आज हम पूरा दिन सिर्फ कोरियन फूड खाने वाले हैं सो टुडे इज ऑल अबाउट कोरियन फूड बट जैसे कि हमको पता है कि कोरियन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई और बहुत ज्यादा अच्छी होती है बट वो लोग 7 से 10 कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं अपने स्किन के रिजीम का बट आज मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स दिखाऊंगा 3 सिंपल स्टेप जिससे आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा अच्छी और ग्लोई हो सकती है बिल्कुल कोरियन लोगों की तरह सो माय क्विक स्किन केयर रिजीम कंसिस्ट ऑफ लॉरियल पेरिस एचए रेंज विच इंक्लूड्स प्रोडक्ट लाइक 1.5% एचए सीरम फ्रेश मिक्स एचए शीट मास्क एंड प्लमिंग एचए जेल क्रीम तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल का लाइफस्टाइल क्या हो रखा है सबका एंड उसमें भी टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम आवर स्किन व्हिच मेक्स इट लुक मोर पेल एंड ड्राई बट एचए इज समथिंग व्हिच इज बेस्ट नोन टू होल्ड 1000 टाइम्स इट्स ओन वेट इन वाटर दस हेल्पिंग टू मेंटेन मॉइस्चर इन आवर स्किन एचए मॉलिक्यूल्स बेसिकली की इंग्रेडिएंट है दैट मेक्स माय फेस लुक रेडिएंट हाइड्रेटेड एंड फ्रेश एंड गाइस आई एम नॉट लाइंग जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैं कितना ज्यादा यूज कर रहा हूं आजकल ये सारे प्रोडक्ट्स एंड आई एम इन लव विद एचए रेंज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज 1.5% एचए सीरम दिस सीरम हैज गॉट द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1.5% दैट इज जस्ट द राइट अमाउंट जो हमारी स्किन को चाहिए होता है टू गेट दैट इंस्टेंट हाइड्रेशन सो फॉर द एप्लीकेशन मेक श्योर यू गाइस हैव अ क्लीन फेस एंड द स्किन इज डैम्प दिस टेक्निक इज कॉल्ड मॉइस्चर सैंडविच एंड इट्स सुपर सिंपल टू यूज बस आपको 2 से 3 ड्रॉप्स अपने पाम पे लेने हैं एंड जेंटली डैब इट ऑन योर क्लीन फेस एज यू गाइस कैन सी इट्स सुपर लाइटवेट एंड नॉन स्टिकी मेकिंग इट वेरी फास्ट अब्सॉर्बिंग सो जैसे मैंने मॉइस्चर सैंडविच की बात करी उसमें वही होता है कि आप एक ही इंग्रेडिएंट के एक के ऊपर आप एक लेयर लगाते हो उसमें सेम इंग्रेडिएंट होता है बेसिकली सो आफ्टर अप्लाइंग द सीरम आई यूज्ड द एचए जेल क्रीम सो
wearing this product with the serum works so well because it locks the moisture from the serum and it leaves a sensation of hydrated velvet skin at the end. This product is created with an advanced technology that consists of micro hyaluronic acid, which is able to penetrate deeper into the skin for higher efficiency. I just take a coin sized amount and massage it gently on my face till it gets absorbed. As you guys can see, it's a translucent pearly gel and it glides across your face very smoothly. So talking about third product, which is this Fresh Mix HA Serum Sheet Mask. So ये मैं हफ्ते में 2-3 बार यूज करता हूँ. As you guys know कि मेरे को फेस पैक और फेस मास्क का कितना ज्यादा शौक है, बट जो मार्केट में दूसरे शीट मास्क अवेलेबल है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा अच्छा है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस HA Fresh Mix Serum Mask इज दैट द शीट मास्क एंड द सीरम कम्स इन टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. दिस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द फ्रेशनेस ऑफ HA सो दैट आवर स्किन गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट्स. L'Oreal Paris HA रेंज हैज ट्रूली वर्क फॉर माई स्किन और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप लोग भी ये इसको जरूर ट्राई करें. यू विल सी योर स्किन हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग इन नो टाइम. यू गाइस कैन चेक आउट ऑल द प्रोडक्ट्स, आई एम लीविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो यहाँ पे हमारा स्किन केयर रूटीन तो खत्म हो गया, बट जो आगे जो हमको बढ़ना है और हमको बाकी स्नैक्स जो ट्राई करने हैं, अभी मैं एक्साइटेड हूँ वो श्रिम्प फ्लेवर जो चिप्स थे कुछ, तो वो मेरे को ट्राई करने हैं. सो लेट्स गो एंड ट्राई श्रिम्प फ्लेवर चिप्स. पोल अभी भी डला हुआ है, मैंने अभी तो उसको चेक नहीं करा है, बट उससे पहले मैं डेफिनेटली एक स्नैक आइटम खाना चाहूंगा जो मैंने बोला था कि श्रिम्प फ्लेवर्ड क्रैकर. और मेरे साथ ये एंजॉय करने वाली उनने 3% आप एक्साइटेड हैं. रेशो हमेशा मुझे ऊपर आने चीजें ट्राई कराता है, बट ड्राइड वगैरह करके हूँ. सच में तो लगा ड्राइड श्रिम होगी, तो मैं कभी नहीं खाती. मैं मेरे को तो वही था बट ये बट ये श्रिम फ्लेवर है, तो आई थिंक ये तो अच्छा हो सकता है. ये अच्छा होगा, सो प्लीज लेट्स ट्राई. हाउ इज द स्मेल? ओ शिट, आई थिंक थोड़ा रॉन्ग लुक वाइज थोड़ा चीटोस लग रहे हैं, बट स्मेल वाइज 1, 2, 3 गो. आफ्टर टेस्ट बहुत पूरा आफ्टर. जल्दी जल्दी आप जल्दी टेस्ट करें. श्रिम्प तो नहीं खाता भाई, बहुत टेस्टी है. वाओ चीटोस, बहुत टेस्टी चीटोस. वाओ टेस्ट कर एक बारी प्लीज अंकु. जा कोई नहीं ये तुम गंदी पिकनिक. अब मेरे को खाना अपना लंच, जो कि अब देखते नहीं क्या है उसके अंदर, बट ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा. लोगों ने चूज किया है हॉट कोरियन नूडल्स. मेरा मन था किमची खाने का, स्पाइसी किमची, बट 55% लोगों ने सेलेक्ट करा हॉट कोरियन नूडल्स. सो वो मेरा लंच है आज का, हॉट कोरियन नूडल्स. ऑल्सो आज क्लाउड्स काफी अमेजिंग हो रखे हैं. ओ वाह, आई थिंक हम जन्नत में आ चुके हैं. ये क्या है व्यू, वाओ. तो गाइस मैं लिखा था कि पहले आपको नूडल्स और ड्राइड वेजिटेबल्स जो आई थिंक ये है, ये आपको साथ में डालना है इसके अंदर पैन के अंदर. तो नूडल्स गए खुश है और ये आ गया हमारी ड्राइड वेजिटेबल्स. इसको 4 मिनट तक बॉईल करना है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, सूप लग रहा है. तो जैसा उसमें लिखा था कि पहले आपको सिर्फ नूडल्स कुक करने हैं अच्छे से, और ये मैं बॉईल कुक कह रहा हूँ, बॉईल करने हैं. हमने बॉईल कर लिए नूडल्स और इसमें वेजिटेबल्स भी डाल दी थी हमने. ऐसे कितना अच्छा से लग रहा है ये तो हो गया. अब इसमें जाएगी ये सॉस. ओ वाओ, ठीक है. जैम, इमली इमली लग रही है, बहुत ज्यादा स्पाइसी लग रही है. रशु बहुत ज्यादा स्पाइसी होने वाली है. आधी डाल, आधी डालनी चाहिए थी, पूरी डाल दी. नहीं नहीं आधी, ये तो वो लग रहा है हुक्के का फ्लेवर. काफी आई थिंक ये बहुत स्पाइसी होते हैं सच्चे. लगता अच्छा, ये तो वही रहे हैं जैसे मैंने खाया है बड़ी हॉट स्पाइसी. ये भी शायद स्मेल सुन के आ गया. अरे आपको अच्छी लगी खुशबू? कोरियन नूडल्स स्पेशली फॉर यू लंच टाइम. वाओ टेस्टी बहुत, बहुत टेस्टी है.
अप्रूव्ड How is it? Yeah. है ना? It's a pass. It's a pass. है ना? थोड़ा spicy side है but it's tasty spicy. Tasty spicy भाई. Not कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ spice रहता है. But this is tasty spicy. But spice. ये tasty spicy है. So my lunch was thank you so much guys जिन्होंने भी hot Korean noodles choose किया था it was very tasty very मतलब मैं एक और एक दो और पैकेट बना के खा सकता हूँ legit इतने tasty थे अब मैं अपना dinner अपने घर पे नहीं करूँगा वो मैं कहीं और करूँगा so see you guys dinner के time पे so guys finally मेरा dinner का time हो चुका है और मैं आया हूँ आशी और शंकु के घर पे वो आपको पता चल गया गाइस सेटअप से इसलिए मैंने उसको पिंक लाइट में खड़ा किया है मैंने आप बोला लाइट्स ऑफ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं आशी के रूम में सो आशी मैं डिनर जहाँ से मंगाने वाला हूँ मैं आपको वो दे रहा हूँ अपॉर्चुनिटी वाओ एक्साइटेड मेरा डिनर सेलेक्ट करो आज ये ले ओके सो लेट मी सी कि मैं क्या ऑर्डर करना चाहती हूँ वैसे गाइस मुझे पता तो है नहीं बिकॉज़ मैं कोरियन फूड इतना खाए कर ट्राई नहीं किया सुबह से जितने भी खाया ना सबको टेस्ट निकला एक्सेप्ट ऑफ वाओ एक्साइटेड मैं डिनर ट्राई करूंगी थोड़ा सा एक्सेप्ट ऑफ चिप्स सब कुछ अच्छा था मैं दो चीजें मंगा रही हूँ ठीक है वाओ अच्छा लगा सो मैंने गाइस नाम के आधार पे ऑर्डर करा क्योंकि टेस्ट तो मुझे मालूम नहीं है कैसा होता है इन सबका बट आई ऑर्डर्ड टू थिंग्स मैंने सुबह से चार दिन में किमची मेरे उसमें इंक्लूड हो गया किमची किमची वाओ उनागी तो किमची सूप और इसने ऑर्डर करा है कोरियन चिकन यस वाओ तो फाइनली गाइस मेरा डिनर आ चुका है व्हिच इज किमची सूप एंड चिकन नहीं कोरियन चिकन सॉरी मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रहा है और मतलब आशी वैसे लग रहा चिली हां चिली चिकन लग रहा है गाइस बहुत ज्यादा और बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है एकदम खाने मन करेगा मैं खोलते ही वाओ शिट वांट मुंह में थूक आ रही है आई एम बैक प्लीज टेस्ट हर सब्जियां निकाल के दिया सब्जी नहीं है ये देखो ग्रीन ग्रीन आज मैं रोज कोरियन फूड खाऊंगा वाओ सब कुछ अच्छा निकला बस A1 अब पता नहीं कैसा होगा ये वेज है एक्साइटेड लग चिकन रहे थे है ना मुझे लगा पहले चिकन ही है नूडल्स है उसमें वो नहीं क्या है वो आई गेस कैबेज है वेजी हुआ बट वाओ भाई भी अच्छा कुछ कुछ खराब नहीं है वाओ आई थिंक मुझे अब अपना डिनर एंजॉय करना चाहिए ऐसे ही बहुत मेरे को बहुत भूख लग रही है मुझे भी खाना है कौन हम एंजॉय साथ मिलके अभी पूरा खत्म कर देंगे सो थैंक यू सो मच वाचिंग के साथ मेरे आज का चैलेंज नहीं खत्म होता है कोरियन में बाय बोलो आता है अब अपनी कोई नहीं देखेगा गाइस डोंट सब्सक्राइब टू हिज चैनल गाइस आई एम रियली सॉरी बट इसको मैं दूंगा 10/10 बिकॉज़ मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना टेस्टी होगा ये सूप भी और मैं जा रहा हूं खाना खाने को बहुत भूख लग रही है सो थैंक यू सो मच वाचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे आज कोरियन डे बहुत अच्छा लगा मेरा बहुत अच्छा गया मेरा बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया मैंने आज ये सो बाय टेक केयर गुड नाइट बाय बाय